ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಿಮಗೆ काफी लंबे समय से विधानसभा चल रही है, लेकिन विधानसभा के बीच में शनिवार रविवार को मैं यहाँ जोधपुर आई और काफ़ी लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आज जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जिसमें कई तरह के लोग जोधपुर के निवासी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। काफ़ी लोग संविधा में जो उपस्थित हैं, जो अपने कर्मचारी हैं, वो अपने संविधा को पूर्ण कर परमानेंट नौकरी के लिए मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं बार बार, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में भी जो संविधा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने का प्रावधान रखा है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा से ही आम जन के लिए किस तरीके से मैं उनकी सेवा कर सकूं, तो हम भी उनके कार्यकर्ता हैं, उसकी बात को ध्यान में रखते हुए कि आम लोगों तक की कैसे सुविधाएं पहुंचें, जो बजट का हिस्सा है आम लोगों तक पहुंचें, और संविधा कर्मियों को भी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी की आशा है कि हम परमानेंट नौकरी पर लगाएँ। और आज कई लोगों ने जो ट्रांसफर्स बाहर हो गए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और जो जन उपयोगी योजनाओं को किस तरह हम आम जनता तक पहुंचाएं, और वार्ड के विकास को लेकर भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्षदगण हैं, उपस्थित हुए और मैंने उनकी सुनवाई की। आप जन सुनवाई कर रहे हैं, ज़्यादा मुद्दे किस मुद्दे पर लेकर चर्चा हुई और उस पर क्या प्राथमिकता रही? अब इस बार हमारे जन सुनवाई में मुझे लगता है कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में बजट में अंबार लगा दिए हैं, छप्पड़ फाड़ के बजट दिए हैं, तो सभी कार्यकर्ता और पार्षदगण, जो हमारे उत्तर का निगम बोर्ड बन गया है, दक्षिण में भी हमारे जो कई पार्षद जीते हुए हैं, वो विकास के मुद्दे को लेकर आए कि हमारे वार्ड में किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, सड़कें, सीवरेज, सामुदायिक भवन को हम बना सकें और जनता को राहत प्रदान कर सकें।